नमस्ते बेटिया, आई एम जेवियन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केवल आमलक रसायन योग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आमलक अवलेह। आमलक अवलेह इज वन ऑफ रसायन योग। अगर हम इसमें प्रक्षेप द्रव्य की बात करें तो आमल की फल 1000 नग, पिपली 1000 नग, पलाशार जल, गोघृत, मधु, शर्करा, इनका प्रयोग किया जाता है। अगर निर्माण की विधि देखें तो आमल की फल तथा पिपली को पलाशार जल में भिगो दें। अच्छी तरह भीगने के बाद आमल की गुठली निकाल दें। अब आमल की मज्जा व पिपली को छाया में सुखा लें। इस चूर्ण का 1/4 भाग चीनी, 4 गुना मधु तथा 100 गुना गौघृत मिलाकर पात्र में रखकर 6 माह के लिए भूमि में गाड़ दें। इसके बाद निकालकर प्रयोग करें। अगर हम इसकी मात्रा देखें तो 10 से 15 ग्राम मात्रा में इसको लिया जाता है। सेवन प्रातःकाल किया जाता है। अगर आमले कवले के गुण देखें तो आमले कवले के सेवन से मनुष्य निरोगी रहकर 100 वर्षों तक जीता है। इसके अतिरिक्त बल, स्मृति एवं कोच की वृद्धि होती है। रसायन लापुपायो ही शस्ता नाम रसादीनाम रसायन। चरक चिकित्सा अध्याय 1 के अंदर श्लोक 8 में कहा गया है कि लाभुपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम प्रशस्त या उत्तम या श्रेष्ठ गुणों से युक्त रस आदि धातुओं की प्राप्ति जिन उपायों से होती है उन्हें ही रसायन कहते हैं। जरा व्याधि विनाशनम जो है आचार्य शारंगधर ने कहा है कि जो औषध जरा और व्याधि का नाश करे उसे रसायन कहते हैं। प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसके प्रयोजन स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं आतुर के विकार का प्रशमन जो है यह इसका प्रयोजन है। यह आयुर्वेद के भी प्रयोजन है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं रोगी के रोग का शमन करना। रसायन से ये दोनों ही प्रयोजन सिद्ध होते हैं। मुख्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं गौण रूप से रोगों का शमन करना। अगर हम रसायन के संदर्भ ग्रंथ देखें तो चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 1/1 अध्याय 1 में 1 से 4 श्लोक के अंदर इन्होंने कहा है। आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा अध्याय सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान के अंदर अध्याय 27 29 और 30 के अंदर डिस्क्रिप्शन किया है। अष्टांग संग्रह उत्तर स्थान अध्याय 49 में, अष्टांग हृदय उत्तर स्थान अध्याय 39 के अंदर रसायन का वर्णन आया है। अगर हम रसायन की निरुक्ति देखें तो रस प्लस अयन रसायन कहलाता है। रस जो है यह गति अर्थक यानी कि गतिशील रस धातु से रस शब्द बना है। यह रस पूर्ण रूप से पचे हुए आहार का सार भाग है एवं अयन जो है इयते इति अयनम अयन जो है मार्ग के लिए आया है इस प्रकार रस और अयन से रसायन शब्द बना है, यह इसकी निरुक्ति है। अगर हम रसायन के पर्याय देखें तो औषध, व्याधिहर, भेषज, प्रशमन, साधन, पथ्य, हित, चिकित्सितम, प्रायश्चित, प्रकृति स्थापन, यह सभी रसायन के पर्याय हैं। रसायन का ऐतिहासिक महत्व जो है आचार्य चरक ने 3 प्रकार की ऐशनाएँ बताई हैं, प्राणेशना, धनेशना एवं परलोकेशना। तीनों ही जो प्राणेशनाएँ हैं वह सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण हैं एवं रसायन के सेवन से प्राणों की जो रक्षा है, तीनों प्रकार की जो ये ऐशनाएँ हैं जैसे प्राणेशना, धनेशना एवं परलोकेशना, इन तीनों के अंदर प्राणेशना जो है यह सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण है। रसायन के सेवन से प्राणों की ही रक्षा होती है, अतः रसायन द्रव्यों का सेवन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राण है तो सब कुछ है। रसायन का प्रयोजन व लाभ उत्तम गुणों से युक्त रसादि धातुओं की प्राप्ति रसायन से होती है।
इससे न तो शीघ्र वृद्धावस्था आती है और न ही रोग उत्पन्न होते हैं। इसके सेवन से मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त करता है। इसके सेवन से स्मरण शक्ति, कांति, उत्तम वर्ण, उत्तम शारीरिक व मानसिक बल की प्राप्ति होती है, उत्तम गुणों की प्राप्ति होती है। कठिन रोगों को दूर करता है, धारणा शक्ति को अधिक तीक्ष्ण बनाता है। आचार्य चरक ने 6 प्रकार की चिकित्सा का उल्लेख किया है। ब्रह्मण चिकित्सा में रसायन का समावेश किया है, क्योंकि रसायन शरीर और आयु दोनों का ब्रह्मण करता है। इसके सेवन से धमनी काठिन्य काफी अंश तक रोका जा सकता है। आचार रसायन जैसे सत्य बोलना, क्रोध न करना व रसायन योग, इन दोनों का सेवन महत्वपूर्ण जो है, एक तरीके से पूर्ण रसायन है। रसायन सेवन के कुछ योग्य एवं अयोग्य पुरुष बताए गए हैं। अगर रसायन सेवन के अयोग्य पुरुष की बात करें तो जो अनात्मवान है या आलसी व्यक्ति है, दरिद्र व्यक्ति, प्रमादी, व्यसनी, पापकृत, भैषज अपमानी, पापी, पतित, शुश्रु यानी कि श्रद्धा रहित, इस प्रकार के जो हैं पुरुषों को रसायन के अयोग्य बताया गया है। इसी क्रम के अंदर अगर हम रसायन के योग्य की बात करें तो जितेंद्रिय, हितायु, सुखायु, साधनों से संपन्न, व्यसनहीन, धार्मिक, शुद्ध शरीर वाला, गमनादि से जो शुद्ध हुआ हो, स्निग्ध, पर्याप्त समय वाला, मन के विकारों से रहित, 16 से 50 वर्ष की आयु वाला रसायन सेवी बताया गया है। अगर हम रसायन के प्रकार देखें तो रसायन के प्रकार कार्य भेद से 2 प्रकार के, भैषज भेद से 2 प्रकार के, प्रयोजन भेद से 3 प्रकार के एवं प्रयोग भेद से 3 प्रकार के बताए गए हैं। कार्य भेद से 2 प्रकार के हैं संशोधन एवं संशमन। भैषज भेद से 2 प्रकार के हैं द्रव्यभूत एवं अद्रव्यभूत। प्रयोजन भेद से 3 प्रकार का है काम्य, नैमित्तिक एवं आजस्त्रिक। प्रयोग भेद से 3 प्रकार का है कुटी प्रवेशिक, वातात्विक एवं द्रोणी प्रवेशिक। अगर हम कार्य भेद से इसके प्रकारों की बात करें तो संशोधन एवं संशमन 2 प्रकार से बताया गया है। संशोधन जो है रसायन सेवन से पूर्व शरीर की सम्यक शुद्धि आवश्यक होती है। जिस प्रकार मलिन वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता, ठीक उसी प्रकार अशोधित शरीर पर रसायन द्रव्यों के प्रयोग का उचित लाभ नहीं मिलता। अगर हम इसके पूर्व रूप देखें तो स्नेहन और स्वेदन ये इसके पूर्व कर्म हैं। अगर हम इसके मुख्य कर्म देखें तो वमन, विरेचन, निरहुबस्ति, आस्थापन बस्ती एवं नस्य, यह इसके मुख्य कर्म हैं। और इसके पश्चात कर्म देखें तो संसर्जन कर्म, मंडपेय, विलेपी आदि। इस प्रकार शरीर की सम्यक शुद्धि होने के पश्चात ही रसायन सेवन करना चाहिए। संशमन की अगर बात करें तो विषम दोषों को सम अवस्था में लाना ही संशमन है। यह 7 प्रकार का होता है, पाचन, दीपन, उपवास, तृषा, व्यायाम, आतप सेवन एवं वायु सेवन। बाह्य संशमन जो है इसमें अभ्यंग, कवल, गंडूष, लेप, शिरोबस्ती, अवगाहन और परिषेक आते हैं। संशमन रसायन योग अगर हम देखें तो आमल रसायन, पुनर्नवा रसायन, तिल रसायन आदि। भैषज भेद से रसायन 2 प्रकार का बताया है, द्रव्यभूत रसायन एवं अद्रव्यभूत रसायन। द्रव्यभूत जो है इसमें द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हरितकी, आमलकी, दशमूल, पिपली, हरिद्रा, चित्रक, शतावरी, अश्वगंधा आदि। अद्रव्यभूत देखें तो इसमें द्रव्यों का प्रयोग नहीं होता, जैसे आचार रसायन, संतोष, पवित्रता, यम, नियम, आसन, ध्यान, सद्वाक्य आदि। प्रयोजन भेद से प्राणकामी है। प्रयोजन भेद से जैसे काम्य रसायन, नैमित्तिक रसायन, आजस्त्रिक रसायन बताए गए हैं। काम्य रसायन में प्राण कामी है, ब्राह्म रसायन, आमलक रसायन, पिपली रसायन, शंख पुष्पी रसायन, मेधा आयुष कामी रसायन आदि बताए गए हैं। नैमित्तिक रसायन अगर हम देखें तो इसमें धात्री रसायन, अमृता रसायन, त्रिफला रसायन, खदिर रसायन, मेध्य रसायन एवं ब्राह्मी घृत बताए गए हैं।
आजस्तिक रसायन जो है इसमें दुग्ध, घृत, फल, अन्न, शीतल जल, शंख पुष्पी रसायन, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि बताए गए हैं। प्रयोग भेद से जो है इसका एक कुटी प्रवेशिक मेथड है, यह इंडोर पेशेंट के लिए इंडोर मेथड है। जैसे कि कुटी प्रवेशिक जो है इसमें उचित लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाली, मोटी दीवारों वाली, प्रकाश युक्त, सभी ऋतुओं के लिए अनुकूल कुटी का निर्माण कराना चाहिए। शरीर की सम्यक शुद्धि कराकर आचार्य के अनुशासन के अनुसार कुटी में प्रवेश कराना चाहिए और रसायन द्रव्यों का सेवन कराना चाहिए। यही कुटी प्रवेशिक रसायन है। अगर वातात्पिक की बात करें तो यह आउटडोर पेशेंट के लिए वायु और आतप के संपर्क में रहते हुए भी रसायन द्रव्यों का प्रयोग कराना वातात्पिक रसायन कहलाता है। सामान्य जन सहज रूप से इस प्रकार के रसायन योग का प्रयोग कर सकते हैं। अगर द्रोणी प्रवेशिक की बात करें तो पलाश वृक्ष के तले एक द्रोणी नाव का निर्माण किया जाता है। जो है प्रकाश वृक्ष जो है पलाश का जो वृक्ष होता है इसके तने से, पलाश वृक्ष के तने से एक द्रोणी का नाव का निर्माण किया जाता है। इसमें पुरुष को लिटाकर रसायन द्रव्यों का प्रयोग कराया जाता है। इसके बड़े चमत्कारिक प्रभाव कहे गए हैं। अगर हम आचार रसायन देखें तो आचार रसायन में कहा गया है कि सत्य बोलना, शांत रहना, प्रिय वचन बोलना, मद्य का सेवन न करना, धूम्रपान न करना, अति मैथुन न करना, धैर्य से कार्य करना, शरीर व मन को शुद्ध रखना, देवी देवताओं की पूजा करना, दया भाव से युक्त होना, दूध घृत मधु का सेवन करना, युक्ति पूर्वक सभी कार्यों को आसानी से कर लेना, मन कर्म वचन से हिंसा न करना, अहंकार न करना, जितेंद्रिय होना, शास्त्र का अध्ययन करना, इन गुणों से युक्त पुरुष को भी रसायन सेवन के ही लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति द्वारा रसायनों का प्रयोग करना ही वास्तव में पूर्ण रसायन है। कुटी प्रवेशिक विधि अगर हम इसकी बात करें इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए, तो इसमें क्या योग्य व्यक्ति अगर हम देखें तो संपन्न साधनों से रोग रहित शारीरिक और मानसिक स्थिर मन वाला, बुद्धिमान, जिसके पास पर्याप्त समय हो। कुटी निर्माण की भी कुछ विशिष्ट विधि होती है। इसके अनुसार कुटी की लंबाई चौड़ाई उपयुक्त हो, 12x12x12 फुट कम से कम हो, त्रिगर्भा कुटी, एक के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी कुटी, रोशनदान हो, सभी ऋतुओं के लिए आरामदेह हो, स्त्रियों का आना निषेध हो, वैद्य ब्राह्मण सदा उपस्थित रहें, औषध उपकरण आदि उपलब्ध हों। अगर हम इसका स्थान देखें तो जहाँ पुण्य आत्माएं रहती हों, भय रहित हो, पूर्व उत्तर दिशा में कुटी का निर्माण करें। कुटी प्रवेश से पूर्व कर्म होते हैं, बाल नख कटवा लें, अनुशासन का पालन करें, जितनी अवधि तक रहना है धैर्य धारण करें, रज तमो गुण का त्याग करें, ईर्ष्या व द्वेष का त्याग करें, इष्ट देवताओं की पूजा कर लें, सभी के कल्याण की कामना करें। कुटी प्रवेश करने का काल एवं विधि, जब सूर्य उत्तरायण में हो, शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि हो, उत्तम नक्षत्र हो, शुभ मुहूर्त हो, देवता गुरु और वैद्य का पूजन करके प्रवेश करें। रसायन औषध की मात्रा का निर्धारण जो है यह व्यक्ति की वयस्क के अनुसार, वात पित्त कफ द्वंद्वज या त्रिदोषज दोषों के अनुसार, व्यक्ति के बल का विचार करके, देश काल का विचार करके, जठराग्नि का विचार कर औषध की अल्प, मध्यम और श्रेष्ठ मात्रा का निर्धारण करें। प्राचीन ग्रंथों में औषधियों की जो मात्रा बताई गई है, आज के युग में उसकी एक चौथाई मात्रा दें या वैद्य अपने विवेक के अनुसार निर्धारण करें। उदाहरण के लिए संग्रहणी रोग में स्वर्ण परपटी एक रति जो है एक मात्रा च्यवनप्राश के साथ दें। कुटी में प्रवेश करके रसायन सेवन और चर्या, शुद्ध शरीर व मन से आचार रसायन की पालना करते हुए कुटी के अंदर रहें। प्रारंभ में किसी भी रसायन का प्रयोग अल्प मात्रा में करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर च्यवनप्राश का प्रयोग करना है तो 5 ग्राम की मात्रा से शुरुआत करें।
प्रतिदिन 1 ग्राम मात्रा बढ़ाते हुए 20 ग्राम तक लेकर आएं, फिर उस मात्रा को लगभग 1 माह तक स्थिर रखें। रसायन सेवन काल में औषध के अनुसार ही पथ्य आहार की व्यवस्था की जाती है। कुछ औषध के सेवन काल में केवल दुग्ध आहार बताया गया है, जैसे चतुर्थ आम्लक रसायन सेवन काल में घृत, दही, मधु, तिल कल का सेवन बताया गया है। कुछ रसायन सेवन काल में अन्न ग्रहण करने का विधान है, जैसे साठी चावल का भात, दूध देना आदि। यदि रसायन सेवन केवल प्रातःकाल किया जाता है तो उसके पच जाने पर अर्थात सायंकाल में एक बार ही भोजन करना चाहिए। जो रसायन सेवन प्रातः और साय दोनों समय दिए जाते हैं तो भी रसायन पच जाने पर उचित भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। कुटी से बाहर निकलकर रसायन सेवन काल के बाद आहार विहार के नियम। जिन रसायन सेवन काल में केवल दूध का निर्देश हो उनमें संसर्जन क्रम कराना चाहिए। पहले लघुतम, फिर लघुतर और फिर लघु आहार देना चाहिए। रसायन सेवन काल के बाद प्रथम दिन 10 ग्राम लाजमन एवं 250 ग्राम जल में पकाएं मिश्री के साथ। दूसरे दिन 20 ग्राम लाश पेय 250 ग्राम जल में पकाएं। फिर तीसरे दिन 50 ग्राम अघनी चावल की विलेपी। चौथे दिन 100 ग्राम अघनी चावल की पतली खीर। पांचवे दिन 150 ग्राम अघनी चावल की खीर। छठे दिन 200 ग्राम अघनी चावल का भात, घृत एवं दूध। सातवें दिन जो है 250 ग्राम अघनी चावल का भात, मूंग की दाल व सब्जी। अन्न की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाए वैसे वैसे दूध की मात्रा कम करते जाएं। जब अन्न के लिए पूरी भूख लगे तो दूध की मात्रा सामान्य कर दें। तत्पश्चात रुचि के अनुसार शाकाहार या जांगल मांस का सेवन कर सकते हैं। जिन रसायन का सेवन काल में जिन रसायन सेवन काल में अन्न का सेवन निर्देश हो, जिनमें रसायन सेवन काल से 2 गुण काल तक यवागु या घी के साथ साठी चावल का भात अथवा मूंग की दाल का सेवन करें। कुटी प्रवेशिक रसायन का विशेष फल। स्मरण शक्ति जो है तीव्र होती है, धारणा शक्ति बढ़ती है, आयु की वृद्धि होती है, इंद्रियों का बल बढ़ता है, जठराग्नि का बल बढ़ता है, शरीर की कांति बढ़ती है, मैथुन शक्ति बढ़ती है एवं वायु का अनुलोमन होता है। इसमें अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनो मॉड्यूलेटर और एंटीऑक्सीडेंट इन रसायन थेरेपी देखें तो रसायन द्रव्यास हैव आल्सो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट एक्शन। डिटेल इज गिवन बिलो। इम्यूनो मॉड्यूलेटर एक्शन। रसायन द्रव्यास आल्सो एक्ट एज इम्यूनोमॉड्यूलेटर। रसायन द्रव्यास लाइक गुड़ूची, शिलाजीत, हरिद्रा, पिपली एट्सेट्रा एज इम्यूनोमॉड्यूलेटर। दिस इज डन बाय प्रमोटिंग डिफेंस मैकेनिज्म लाइक इंक्रीजिंग वाइट ब्लड सेल, इम्प्रूविंग इम्यून फंक्शन। एंटी ऑक्सीडेंट एक्शन। रसायन द्रव्यास ऑल्सो हैव एंटी ऑक्सीडेंट एक्शन। एंटी ऑक्सीडेंट्स आर सब्सटेंस विच रिड्यूस ऑक्सीडेटिव डैमेज टू सेल्स कॉस्ड बाय फ्री रेडिकल। विटामिन सी, विटामिन ई एंड बीटा कैरोटीन आर वेल नॉन एंटीऑक्सीडेंट। पर्सन हु एट अ लॉट ऑफ कैरोटीनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट्स फाउंड इन कलर्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल लाइक कैरेट हैड लोअर रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डीएम। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑल्सो रिड्यूस ऑक्सीडेटिव डैमेज टू सेल, so they are helpful in delaying age. They also reduce the risk of cancer. Amalki, Ashwagandha, Brahmi, Guruchi are good antioxidant property. Thank you so much. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.